और आप दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। मैं इस वक्त हावड़ा के सर सैयद हाई स्कूल में हूँ और आप जैसा कि जानते हैं IMKR यानी महफिल खुश रंग की जानिब से हबीब हाशमी के एजाज में ताजियाती जलसा हुआ, जिसमें शहर हावड़ा और कलकत्ता के उम्मीद अहम शख्सियतों ने हिस्सा लिया। हलीम साबिर से लेके प्रोफेसर मंसूर आलम से लेके अकील अहमद अकील से लेकर सभी लोग यहाँ मौजूद थे और सभी ने अपने अपने ख्यालात रखे। और दो लोगों ने जो तजवीज़ दी, हलीम साबिर ने कहा कि उनके नाम से लाइब्रेरी में गोशा होना चाहिए और दूसरी तरफ उन्होंने ये मंसूर साहब ने ये कहा कि उनके नाम से एक रास्ता होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने एक तजवीज़ दी थे कैसे शमीम के नाम से एक हावड़ा में रास्ता हो, तो उसी तरह हबीब हाशमी के नाम से भी। इस सिलसिले में हमारी बातचीत अकील अहमद अकील और हलीम साबिर और भी कई लोगों से हुई है। आइए सुनते हैं उनकी बातें और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हबीब हाशमी के बारे में उनका क्या कहना है। आज हम लोग एक ऐसी अदबी शख्सियत की मौत पर इजहार ताज़ियत के लिए जमा हुए, जिनकी मौत पर हम जितना अफसोस करें कम है और उनकी अदबी शख्सियत पर जितना फख्र करें वो भी कम है। इसलिए कि हबीब हाशमी साहब जो हमारे दरमियान से उठ गए, उनकी आलमी हैसियत थी और उन्होंने अपने सूबे बंगाल का नाम रोशन किया और बंगाल के अदीबों शायरों को भी इस बात पर फख्र है कि उनके दरमियान का एक शख्स आलमी सतह पर नुमाइंदगी करने वाला शायर बना, जिससे बंगाल की भी इज़्ज़त बढ़ी और बंगाल शोराए बंगाला की भी इज़्ज़त बढ़ी और उनके दोस्त अहबाब की इज़्ज़त बढ़ी। यहाँ तक कि वो जब टोरंटो से आए तो दमदम एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने एक जमात पहुँची। ये सब सुनकर बड़ी खुशी होती है और उनकी मौत पर अफसोस हुआ, लेकिन क्या किया जाए, दुनिया से सबको जाना एक ना एक दिन है और इसी तरह से अल्लाह उनको अपने साए अपनी जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अदा करें। आमीन। हबीब हाशमी मरहूम के लिए आज ये ताज़ती जलसा मुनक़िद हुआ है हावड़ा के टिकियापाड़ा इलाके में सर सैयद स्कूल में, और हम लोग यहाँ मगरब बंगाल के शोरा उदबा की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ जमा हुई और उनके शायराना कमालात और उनकी शख्सियत पर गुफ्तगू हुई। मरहूम गुनागु शख्सियत के मालिक और बहुत अहम शायर थे मगरब बंगाल के, जिनका शुमार हिंदुस्तान के मोतबर और मुमताज़ शायरों में होता है। हबीब हाशमी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनकी रहलत से उर्दू अदब का जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिल तलाफ़ी है। आज हम वहाँ यहाँ जमा हुए हैं उनकी ताज़ियत के लिए और उनकी मगफ़रत के लिए दुआए मगफ़रत भी की गई। बस यही दुआ है कि अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उर्दू अदब के जो लोग हैं उनको चाहिए, मुहिब्बान उर्दू को चाहिए कि हबीब हाशमी जैसे शायर पर सेमिनार हो, उन पर डिस्कशन हो और उन पर काम हो। ऐसे लोग जो संजीदगी से काम करें, काम किया जिन्होंने उर्दू अदब के हवाले से, अगर उन पर काम नहीं किया जाएगा तो किन पर किया जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत अच्छी फ़िज़ा यहाँ थी, लोगों के ख्यालात समझ में आए कि क्या करना कहना चाह रहे हैं लोग। आम तौर पर ये बात आई कि बिल्तफाक़ से कि हबीब हाशमी के नाम से एक रास्ता भी यहाँ पर हो और उनके ताल्लुक से सेमिनार हो जिसमें उनकी शख्सियत और उनके हयात और उनकी खिदमात का बाज़ाब्ता मुहासबा किया जा सके। हबीब हाशमी के जो मकाम है वो मकाम अभी मुतय्यन नहीं हुआ है, वो मकाम अभी उनको नहीं मिला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उर्दू वाले बंगाल वाले अगर अपने हबीब हाशमी के ताल्लुक से इसी तरह लगे रहें और सेमिनार होता रहा, उन पर काम होता रहा। अहले कलम की जिम्मेदारी है कि कलम उठाए, ऐसे जेन्युइन शायरों पर अदीबों पर कलम उठाना चाहिए इन लोगों को, इसलिए ऐसी ज़रूरत है कि ऐसे लोगों पर कलम उठाया जाए और खूब लिखा जाए। हम अपने इलाके के लोगों को, अपने बंगाल के लोगों को अगर हम नहीं लिखेंगे तो बाहर से लोगों से लिखवाएंगे क्या? यहाँ बंगाल के जो लोग हैं नसर निगार हैं कलमकार हैं, उन लोगों को चाहिए कि लिखें अपने अपने शायरों पर, जो लोग हैं हयात उन पर भी लिखें और जो गुजर रहे हैं उन पर भी लिखें। बहुत शुक्रिया। अभी हबीब हाशमी पर उन्होंने कहा कि क़त्ता मैंने पेश किया है, मुलाहज़ा फरमा लें कि वो शहसवार गज़ल
नात गो कमाल के थे, वो शहसवार गज़ल नात गो कमाल के थे, वगर ना रखती है यूं शायरी हबीब की से। वो शहसवार गज़ल नात गो कमाल के थे, वगर ना रखती है यूं शायरी हबीब की से। हज़ार जोश तरन्नुम हो नगमगी हो हज़ार, हज़ार जोश तरन्नुम हो नगमगी हो हज़ार, हबीब हाशमी का तर्ज है नसीब की से। बहुत शुक्रिया। हजरत, आज की ये महफिल खुशरंग में हम लोग यकजा हुए हैं दरअसल हबीब हाशमी साहब के सानह इरतहाल के रंज व गम में। आज की इस महफिल का जो हासिल है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि उनकी इल्मी खिदमात को जो उनके शागिर्दाने रशीद हैं और हम तमाम उर्दू वाले जो हैं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके इल्मी खिदमात के इस सिलसिले को मज़ीद हम लोग आगे बढ़ाएं। इससे बढ़कर खराज अकीदत और क्या हो सकती है कि उनकी हैसियत एक शम्स व कमर से कम नहीं, कम से कम उर्दू दुनिया उनको कम से कम पहचानती है। देखिए हौड़े को उन्होंने क्या तौकीर दी है, मैं उन्हीं के शेर के सिलसिले पर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। कहते हैं, जिस शहर की अजमत है मेरे नाम से मंसूब, जिस शहर की अजमत है मेरे नाम से मंसूब, इस शहर में मेरे लिए एक घर भी नहीं। जाहिर है ये तो दुनिया फ़ानी है, असल घर तो वो हमारी जो है आखिरत की है। और एक बड़े खूब एक शायर ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। उन्हें अबदी नींद हो और इस इलाके की कम से कम वो आबरू थे, इस आबरू को बचाने वाला कोई आगे आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। और आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज ताज़ियाती जलसा का अहतमाम किया गया था जो महफिल खुशरंग से अफजल ख़ान साहब और उनके तमाम टीम बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा आज का ये प्रोग्राम हुआ, और जिसके जिसकी ताज़ियाती ये जलसा था हबीब हाशमी साहब, जो बहुत ही काबिल तारीफ़ शख्स थे, बहुत ही मोहतबर शख्स थे, बहुत ही मतलब उनसे क्या कहें कि वो कितनी बड़ी वो हस्ती थे, शायद हम उनकी तारीफ़ नहीं कर सकते हैं। उनकी तारीफ़ में बस एक कता मैं सुनाती हूँ। हाय अफसोस राहबर न रहा, हाय अफसोस राहबर न रहा, मसलिके इश्क का गोहर न रहा, मसलिके इश्क का गोहर न रहा, जिस पे नाजा थे अहले कलकत्ता, जिस पे नाजा थे अहले कलकत्ता, हाय वो साहिबे हुनर न रहा, हाय वो साहिबे हुनर न रहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं कसर अली अशरफी, महफिल खुशरंग के जानिब से महरूम हबीब हाशमी की तजारती जलसा का अहतमाम अफजल ख़ान के तमाम साथी नदीम खान, नदीम खान बेगम वारसी, असलम भाई और जनता टीवी के जावेद भाई, इन सबों का शुक्रगुजार हूँ। निज़ामत जमीर यूसुफ ने किया और सदारत डॉक्टर मंसूर साहब ने किया और इफ्तिताही तकरीर हलीम साबिर की हुई और बेगम वारसी ने नात पढ़ा उनके हवाले से। और हावड़ा का बहुत बड़ा शख्सियत हमारे बीच नहीं रहे, चले गए। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ।